और बढ़ते अब आगे खबरें कुछ विस्तार से, रुख करेंगे सीधा कोलकाता का। कोलकाता में बवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का बंगाल में 12 घंटे का बंद जारी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई में के विरोध में बंगाल बंद बुलाया गया है बीजेपी की तरफ से। छात्रों पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ये बंगाल बंद बुलाने का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मार्च में भाग लेने वालों पर पुलिस की कार्रवाई देखी जा सकती है। और इसी के साथ बता दें कि ममता सरकार ने अनुरोध किया है कि लोग जो हैं इस मार्च में शामिल ना हो, यहां पर शांति भंग करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। अब लगातार ममता सरकार और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बंगाल बंद का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बंगाल में बीजेपी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नभना तक छात्र समाज के मार्च में भाग लेने वालों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बंगाल में 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि हड़ताल के आह्वान ने महिला चिकित्सक से कथित दुष्कर्म और उसके हत्या को लेकर लोगों की पीड़ा का फायदा उठाकर राज्य में अशांति फैलाने की बीजेपी की साजिश को उजागर कर दिया है। बंगाल सरकार ने राज्य की जनता से इस बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह किया है और कहा है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि बंद के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित ना हो। तो देखिए, सरकार ने, बंगाल सरकार ने ये अनुरोध किया है जनता से कि इस मार्च में आप भाग ना लें। तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता बीजेपी, पश्चिम बंगाल की बीजेपी जो है वो पूरी तरह से आक्रामक रूप में नजर आ रही है और लगातार जब से ये घटना घटित हुई है तब से ममता सरकार को घेरा जा रहा है। और इसी सिलसिले में जिस तरीके से कल नभना अभियान चलाया गया था छात्र समाज की तरफ से और वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों को रोका था, पुलिस की जो कार्रवाई देखी गई थी उस पर अब भारतीय जनता पार्टी जो है आज 12 घंटे के बंद का ऐलान करने के साथ ही इसकी शुरुआत करने जा रही है पश्चिम बंगाल में। और सरकार की तरफ से और कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो भी इस मार्च में शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जा सकती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद जघन्य हत्या से देश भर में उबाल है। लोग काफी सकते में हैं और लगातार जो है मांग की जा रही है न्याय को लेकर, लगातार मांग की जा रही है महिला सुरक्षा को लेकर। और इसी के चलते जो है नब्बा की तरफ बढ़ते हुए लोग नजर आए। नब्बा भवन वो भवन है जहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार जहां से चलाई जाती है, हर जगह बीजेपी विरोध प्रदर्शन अब कर रही है। आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा की मांग उठ रही है। आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुका है। कल ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की लेकर कोलकाता में बड़ी संख्या में छात्रों ने नभना अभियान के तहत मार्च भी निकाला था। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई थी। छात्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी संजय रॉय शराब पीने का आदी है, वो पोर्न फिल्में देखता है, उसके मोबाइल से पोर्न वीडियो मिले हैं। फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते रेप और अपराध के मामले चिंतित करने वाले हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से कल छात्रों के साथ पुलिस की झड़प देखी गई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक रूप में नजर आ रही है। 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का ऐलान किया गया है। एकदम ही देखिए, कल जो छात्रों के साथ पुलिस का जिस तरीके से हाथापाई हुआ, छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर पुलिस की तरफ से जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया और वाटर कैनन और टियर गैस सेल चार्ज किया गया, उसी के प्रतिवाद में आज 12 घंटे तक बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। सुबह 6 बजे से रात शाम को 6 बजे तक ये बंद चलेगा, ऐसा बीजेपी की तरफ से किया गया है। मगर मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा ये बंद को लेकर। अभी शैम बाजार 5 पॉइंट, कोलकाता का शैम बाजार 5 पॉइंट, उधर जो पुलिस पोस्टिंग ज्यादा कर दिया गया है, जो भी पुलिस ऑफिसर्स है उनकी तरफ से जो भी बस है, जो भी गाड़ियां है उनको बोला जा रहा है कि नॉर्मल रखे, क्योंकि कल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये बंद ऐलान होने के बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आलापन मुखर्जी उनकी तरफ से बोला गया है कि इस तरीके का कोई बंद नहीं होगा, बंद इल्लीगल है, ऐसा बात कोलकाता पुलिस की तरफ से भी कहा गया है। और इसी वजह से आज सुबह से ही जो बस है, बस डिपो से जो बस चलता है उनको भी रिक्वेस्ट किया गया है पुलिस की तरफ से कि आज नॉर्मलाइज रखा जाए, रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। तो आज दिखाई दे रहा है कि एकदम आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से सुबह से ही बस चल रहा है, यानी बंद का कोई इफेक्ट कोलकाता में ना आए इसके ऊपर सबका नजर है। एक बार मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है श्याम बाजार 5 पॉइंट में। आप देख ही सकते हैं जो पुलिस का हायर ऑफिशियल्स वो भी इधर मौजूद है,
जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी इधर मौजूद है, और पुलिस का हायर ऑफिशियल्स की तरफ से इधर देखा भी जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई जगह पे झमेला ना हो, क्योंकि आज सुबह से ही बहुत सारे जगह में देखा गया ट्रेन को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो रास्ता है रास्ते को बंद करके प्रोटेस्ट दिखा रहे थे बीजेपी समर्थक, उसी टाइम में बहुत सारे बीजेपी समर्थक को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया है। आप देख ही सकते हैं कि फोर्स डिप्लॉय हो रहा है, कोलकाता पुलिस का फोर्स एक मिलिट्री फोर्स इधर मौजूद हुआ है, और पुलिस का जो हायर ऑफिशियल्स उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि ये जो श्याम बाजार 5 पॉइंट इसमें किसी भी तरीके का झमेला ना हो, और किसी भी तरीके से जो प्रोटेस्टर है वो प्रोटेस्ट ना कर पाए, और जो बीजेपी सपोर्टर्स इधर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। सिर्फ कोलकाता नहीं, कोलकाता के आसपास जितना भी जगह है सब जगह का एक ही तस्वीर है, वो कोचबिहार हो वो नोदिया हो, हर एक जगह का एक ही तस्वीर है। सुबह से बीजेपी जो सपोर्टर्स है वो बंद करवाने के लिए वो लोग रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में आके प्रोटेस्ट दिखा रहा है, जो गाड़ियां है उनको रोका जा रहा है, मगर दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से पूरा रास्ते को न्यूट्रलाइज करने का नॉर्मलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है, और जो बीजेपी सपोर्टर्स है उनको हिरासत में भी पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, देखिए आज कार्रवाई जो है उन लोगों पर भी की जा सकती है पुलिस द्वारा जो भी इस मार्च में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर कब से नजर आने लगेंगे, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किस तरीके से रूट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। एकदम ही देखिए, सुबह से ही बहुत सारे जगह पे बीजेपी जो सपोर्टर्स है वो रास्ते में आ चुके हैं। बीजेपी का लीडर अग्निमित्र पॉल वो खुद साउथ कोलकाता में भवानीपुर में खुद रास्ते में बैठ के प्रोटेस्ट दिखा रहे थे। सुबह 6 बजे से लेकर लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और बीजेपी का बहुत सारे जगह पर जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, मगर ये जो श्याम बाजार 5 पॉइंट इस जगह पर बीजेपी की तरफ से सुबह 10 बजे रैली किया जाएगा। रैली करके जो भी दुकान है आप देख ही सकते हैं, अभी फिलहाल हर एक दुकान बंद है, मगर सुबह 10 बजे से ये सब दुकान खुलता है, और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से प्लानिंग किया गया है कि 10 बजे के आसपास इसी जगह से वो लोग जो रैली वो रैली करेंगे, और रैली करते हुए जो भी दुकानदार है जो भी बस चला रहा है और जो भी गाड़ी चल रहा है उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरीके का हमला कल पुलिस की तरफ से किया गया था उसी के खिलाफ पर जो बीजेपी का ये प्रदर्शन है, ये बीजेपी का ये जो बंद है उस बंद को सक्सेसफुल किया जाए, इसका रिक्वेस्ट बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। और सुबह 10 बजे से लेकर वो लोग लगातार जो प्रोटेस्ट ये श्याम बाजार 5 पॉइंट में करेंगे ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया है, मगर सुबह से ही दिखा जा रहा है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन, दीघा रेलवे स्टेशन, बोनगा रेलवे स्टेशन, बाराशाह दक्षिण रेलवे स्टेशन के ऊपर बीजेपी की तरफ से झंडा लगा दिया गया है, और उधर ट्रेन को रोक दिया गया है। तो ये जो बंद है ये बंद को सफल करने के लिए बीजेपी का जो कार्यकर्ता उनके तरफ से पूरा प्रयास लगाया जा रहा है, और जो ट्रेन है वो ट्रेन को रोका जा रहा है, और जो भी मेन रोड है वो मेन रोड पे बीजेपी कार्यकर्ता आकर उन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। और कुछ देर पहले ये श्याम बाजार 5 पॉइंट में बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, उसी टाइम में पुलिस की तरफ से उनको हिरासत में लिया गया। मैं एक फिर से आपको दिखाऊंगा, आप जैसे कि बोले कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है, आप देख ही सकते हैं कि रास्ते पूरा क्लियर हो इसी वजह से जो पुलिस पर्सनल वो पुलिस को इंक्रीज किया गया है, पुलिस जो फोर्स वो फोर्स को इंक्रीज किया गया है। आप देख ही सकते हैं कि सुबह 8 बजे अभी जो पुलिस फोर्स ये पुलिस फोर्स रिप्लाई किया गया है, और ये भी देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर गैदरिंग ना हो, कोई मॉब इकट्ठा ना हो, इस बारे में पुलिस का नज़र है। और जो कोलकाता पुलिस का ट्रैफिक विंग है उनको भी अलर्ट रखा गया है कि किसी भी जगह में कोई रोड ब्लॉक ना हो, इसके ऊपर पुलिस का पूरा फोकस है, पुलिस का हायर ऑफिशियल्स इधर मौजूद है और पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो पूरा रास्ता क्लियर रहे। आप देख ही सकते हैं रास्ते में पुलिस का पुलिस ऑफिशियल जो है वो घूम घूम कर देख रहे हैं कि किसी भी जगह पर कोई इकट्ठा हो रहा है कि नहीं, कोई बीजेपी सपोर्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है कि नहीं, इस बारे में सुबह से ही जो पुलिस है उनकी तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से रूट मार्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो पुलिस फोर्स वो पुलिस फोर्स को भी इंक्रीज किया जा रहा है श्याम बाजार 5 पॉइंट पे। ठीक है रैनिक, आपने बताया किस तरीके से श्याम बाजार की आपने तस्वीरें दिखाई और बताया कि इसको काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट कर चुकी है। इसके अलावा क्या कुछ और भी इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया हो, जिनको हॉटस्पॉट बनाया गया हो, जहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत हो?
एक दिन में देखिए बहुत सारे जगह को हॉटस्पॉट बनाया गया है, जैसे कि ये श्याम बाजार 5.1 है, उसके साथ साथ ही राणाघाट एरिया है, बाग बाजार एरिया है, और उसके साथ जो गोरियाहाट मोड़ को भी हॉटस्पॉट किया गया है, बागुएटी मोड़, इस जगह में भी प्रोटेस्ट होने का बात है और इसी वजह से इन सब जगह को सिक्योर किया गया है। उसके साथ साथ ही सॉल्ट लेक का कोरोनामोई मोड़, फालाकाटा एरिया, मदिरहाट, बहुत सारे जगह को अभी तक पुलिस की तरफ से सिक्योर किया गया है, पुलिस की तरफ से हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। यानी आज किसी भी तरीके से बीजेपी की तरफ से ये जो बंद है, ये बंद को बीजेपी की तरफ से एक तरफ सक्सेसफुल करने का कोशिश जारी है, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से ये बंद को किसी भी तरीके से रोक कर जो रास्ता को नॉर्मलाइज करने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, रैनी किसी के साथ अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से कौन से बड़े चेहरे आज सड़कों पर नजर आ सकते हैं इस प्रोटेस्ट में, और क्या दूसरे दलों का भी समर्थन आज इस प्रोटेस्ट में बीजेपी को मिल सकता है क्या? देखिए दूसरे दल का जो सपोर्ट वो बीजेपी को आज नहीं मिलेगा ये बोल ही सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अकेले ये पूरा बंद को ऐलान किया गया है, दूसरा कोई पार्टी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मगर दूसरी तरफ बीजेपी का बहुत सारे टॉप मोस्ट लीडर आज रस्ते में देख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जब बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार खुद रस्ते में रहेंगे, उसी साथ साथ अग्निमित्रा पॉल को सुबह 6 बजे से दिखने लगा है कि वो बहुत सारे रस्ते में साउथ कोलकाता का बहुत जगह पर उनके तरफ से प्रदर्शन किया गया, उनके तरफ से रास्ता ब्लॉक किया गया, पुलिस के साथ उनका बातचीत भी हुआ, पुलिस के साथ उनका बचसा भी हुआ, ये सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। दूसरी तरफ सुकंद मुजुमदार जैसे मौजूद रहेंगे, वैसे ही श्रमिक भट्टाचार्या वो भी मौजूद रहेंगे, जो भी MPs है वो रस्ते में ये बंद सफल करने के लिए रस्ते में आएंगे, और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जितना भी MLA है वो भी आज बंद सफल करने के लिए रस्ते में आएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सिर्फ MLA MP नहीं, उसके साथ साथ ही जो भी काउंसिलर कोलकाता में है उनके तरफ से भी उस एरिया में दुकान को बंद किया जाएगा, बंद को सफल करने के लिए वो रस्ते में आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और जो रैली उनके तरफ से किया जाएगा। और कुछ देर बाद ही जो सुकांत मजुमदार, लॉकेट चैटर्जी, राहुल सिन्हा के जैसे टॉप मोस्ट लीडर रस्ते में आएंगे, रस्ते में आके वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और उसी लिए जो पुलिस का प्रोटेक्शन सुबह से ही दिखाई दे रहा है, और जो पुलिस पर्सनल इधर मौजूद है, पुलिस की तरफ से इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी मॉब ना इकट्ठा हो, कोई भी गैदरिंग ना हो, और इलीगल तरीके से जो बंद होने वाला था वो बंद को रोकना चाहते हैं कोलकाता पुलिस, क्योंकि कल ही कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया था कि किसी भी तरीके से बंद को वो लोग सपोर्ट नहीं करते, बंद इलीगल है और इसी वजह से किसी भी तरीके से बंद ना हो, इसका ऐलान भी कल कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था। उसके बाद ही आज सुबह से कोलकाता पुलिस का यह मूवमेंट हर एक जगह पर, कोलकाता का साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता मिलाकर हर एक जगह पर देखने को मिल रहा है, और अगले टाइम में भी जितना टाइम जाएगा, जितना बीजेपी सपोर्टर्स रस्ते में आएंगे उतना ही पुलिस का जो फोर्स वो इंक्रीज हो सकता है। बिल्कुल रानी, किसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता से अपील कर रही है कि इस मार्च में शामिल होइए और इस मार्च को मजबूत कीजिए, इंसाफ की मांग के लिए आगे आइए, दूसरी तरफ बंगाल सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि जो भी इस मार्च में शामिल होगा उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो से आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हालात को काफी क्लोज से आप देख पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आज दिन भर में कैसा मिला जुला असर जो है देखा जा सकता है? देखिए आज दिन भर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये बंद का ऐलान किया गया है, दूसरी तरफ आज TMC युवा का आज प्रतिष्ठा दिवस है, और इसी वजह से कोलकाता में जब TMC युवा कर्मियों की तरफ से रैली किया जाएगा, उसी टाइम में बीजेपी की तरफ से बंद का प्रोटेस्ट में रैली भी किया जाएगा, और इसी को लेकर आज एक संभावना तैयार हो रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर इफेक्ट आए, और इसी वजह से
कल कोलकाता पुलिस की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि आज का ये जो सिचुएशन, ये सिचुएशन के मद्देनजर रखते हुए जो पुलिस फोर्स, वो पुलिस फोर्स को इंक्रीज किया जाए। और आप सुबह 8 बजे का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर से ही मालूम पड़ता है कि जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि बंद का इफेक्ट कैसा हो सकता है। सुबह 8 बजे शैम बाजार 5 पॉइंट, यानी ये पूरा जो जो रोड, ये रोड सुबह 9 बजे से खुल जाता है। और इसको रोकने के लिए बीजेपी सपोर्टर्स जो है वो कुछ देर पहले इधर आए थे, इधर आके उन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जाता है शैम बाजार 5 पॉइंट में, वो लोग रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम पे पुलिस की तरफ से उनको हिरासत में लिया गया, पुलिस की तरफ से उनको रोका गया। दूसरी तरफ इस जगह को नॉर्मलाइज करने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, पूरा जो एरिया, पूरा एरिया को पुलिस की तरफ से घेर लिया गया है। तो कुल मिलाकर पुलिस पूरा एक्टिव है कि किसी भी तरीके से रास्ते को नॉर्मलाइज रखा जाए, रास्ते में कोई इफेक्ट ना आए, उसके ऊपर पुलिस का पूरा पूरी नज़र है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि आज कोई बंद नहीं होगा, जो रास्ता नॉर्मल चलता है वैसे नॉर्मल ही चलेगा, सब ऑफिस खुला रहेगा, सबको ऑफिस आना पड़ेगा, ऐसा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कल एडवाइजरी जारी किया गया है। दूसरी तरफ आज बीजेपी की तरफ से ये बंद को सक्सेसफुल करने के लिए वो लोग सुबह से ही रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। और रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं, उसके साथ साथ ही जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी वो लोग प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, रेल रोक दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तो अभी जितना टाइम जाएगा उतना ही जो बीजेपी सपोर्टर्स, बीजेपी का जो प्रोटेस्ट, वो बीजेपी का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और बीजेपी का प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई देखने को मिल सकता है। रैनिक, इस वक्त जहां आप खड़े हैं उसके आसपास कुछ लोग जो है वो नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या लगता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को वो आज देखते हैं, क्या शामिल होने का उनका इरादा है, या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार जिस तरीके से अनुरोध कर रही है उसको मानने का इरादा है। देखिए एकदम ही मैं दिखाऊंगा आपको, सुबह से बहुत सारे लोग रास्ते में आए हैं। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि बात करने का कोशिश करता होता था, आज तो बंद का ऐलान किया गया है, तो आपको क्या लगता है ये बंद क्या सक्सेसफुल होगा कि आप लोगों का दिक्कत होगा? दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, एक लड़की का ऐसा होना सही नहीं है। तो आप लोग बंद को सपोर्ट करते हैं? करते हैं, काम के लिए तो निकलना होगा ही, इसीलिए। एकदम ही, और भी लोग हैं दादा, आज तो बंद है, सॉरी। एकदम ही, आप देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग इधर शामिल है। दादा आज तो बंद है, बंद में आप लोग रास्ते में दिक्कत नहीं हो रहा है? ठीक है रैनिक, लोग सुबह सवेरे इधर लोग मौजूद है रैनिक, बिल्कुल। देखिए सुबह सवेरे का वक्त है, आज तो बंद है, तो बंद में तो रास्ते में निकले कोई दिक्कत हो रहा है? कौन सी का बंद है, थोड़ा प्रॉब्लम पूछे रास्ते, कौन सी का बंद है वो बताइए, बंद कौन सी का है? बीजेपी का, बीजेपी अपना घर में बैठा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो काम है तो घर में करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं है, चारों तरफ पुलिस है, ये है, जैसे जनता निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, गाड़ी भी चल रही है, सब कुछ तो ठीक है, सभी तो ठीक ही चलते। एबार दोकान पाट नटार पर ही खुले, नटार पर खुलबे, हमारे दोकान आज हम खुले दिए दोकान 6টায় 6:30 हमारे हाथीबागने दोकान आज। एकदम ही वो लोग कह रहे हैं कि जो नॉर्मल चल रहा है वो वैसे नॉर्मल ही चल रहा है, बिल्कुल रैनिक, इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका दुकान है वो दुकान खुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, देखिए यहाँ पर तीन तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक वो प्रतिक्रिया है जहाँ पर लोग इस बंद को सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने काम पर भी जाना है। दूसरी प्रतिक्रिया ये सामने आई है कि लोगों को पता ही नहीं है कि बंद का ऐलान भी आज किया गया है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके चलते सारे बाजार खुले हुए हैं और सुचारू रूप से उनकी जिंदगी जो है लगातार चालू है। तो ऐसे में कुछ लोगों को इस बंद का भी पता नहीं है। फिलहाल दिन भर की हलचल पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।